कि 56 इंच का सीना, हालांकि इंसान का इंसाना 56 इंच का सीना बहुत कमे होता होगा, 56 इंच का तो है भी नहीं उनका, विश्वास को करना चाहते कि 56 इंच का सीना हम रखते हैं। तो उन्होंने जो बहादुरी का जितना चर्चा किया था और आज उनकी बहादुरी की नैया कहीं डूबती हुई नजर आई, उन्होंने जो ऊंचे जुमले बोले थे उस जुमले का कहीं पर वो सदुपयोग नहीं कर सके, तो शायद उनको शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह संदेश पहुंचना चाहिए कि हम अपने शहीदों के लाशों से कभी भी हिम्मत और हौसला खोने वाले नहीं है। देश के अंदर चाइना के साथ काफी जो है तनातनी चल रही है, गलवान वैली में वहां पर हमारे भी 20 जवान शहीद हुए, द टेलीग्राफ की रिपोर्ट है कि उनके भी 43 जवान शहीद हुए हैं या बहुत ज्यादा जख्मी हुए हैं। तो इस तरह अचानक से जो है कोरोना के वक्त में चीन और हिंदुस्तान का टकराव, कहीं ना कहीं किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे हमारे? एक तो सबसे पहला मामला ये है कि मैं उन तमाम वीर शहीदों को जिन्होंने अपनी जान की बलि देकर के देश की सरहदों की हिफाजत की, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके बहे हुए लहू के हर कतरे को हम संकल्प का कतरा लेकर ये कहते हैं कि वीर शहीदों, तुम बलिदान देकर तुमने सरहदों की हिफाजत करी, मुझे भी 70 बार मेरा जन्म हो और मैं मर जाऊं तो देश की हिफाजत करना हम पर मेरा दायित्व। लेकिन उस पर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितना विदेश का दौरा किया है, उतना दौरा तो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कहा यह जा रहा था कि विदेश का दौरा करके अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते हैं उनके शांति का दूत बनकर ये काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को पुनर्विचार करना चाहिए कि हमारी कैसी हुई ऐसी कि चाइना की शरारत तो इनकी 62 में भी 67 में भी इनकी शरारत रही है, लेकिन नेपाल जो हमारा मित्र देश बना हुआ था वो भी एक छोटा सा देश हमको धमकाने लगा है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी हवा उखड़ी हुई है या लोगों ने हमें कमजोर समझ लिया है, तभी तो ये धमकाने लगे हैं। तो समीक्षा करनी चाहिए इनको कि हमारी ऐसी कौन सी कमजोरी हुई है जिसके वजह से पड़ोसी हमारे सरहदों पर नापाक इरादों के साथ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। असल हुआ ये है कि देश ने उम्मीद ये किया था जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना, हालांकि इंसान का इंसाना 56 इंच का सीना बहुत कमे होता होगा, 56 इंच का तो है भी नहीं उनका, लेकिन अपने कठोर संकल्प और विश्वास को करना चाहते कि 56 इंच का सीना हम रखते हैं। तो उन्होंने जो बहादुरी का जितना चर्चा किया था और आज उनकी बहादुरी की नैया कहीं डूबती हुई नजर आई, उन्होंने जो ऊंचे जुमले बोले थे उस जुमले का कहीं पर वो सदुपयोग नहीं कर सके, तो शायद उनको शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन ये कहीं भी राष्ट्र के हित में नहीं है कि राष्ट्रपत होने वाली कोई भी मुसीबत उसकी खबर से हम अपने लोगों को बेखबर रखें। हम ये जानते हैं कि हमारे वीर शहीदों से हमें तकलीफ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह संदेश पहुंचना चाहिए कि हम अपने शहीदों के लाशों से कभी भी हिम्मत और हौसला खोने वाले नहीं है कि हमारी लाशें निकल गई तो हम हिम्मत और हौसला करेंगे, बल्कि उससे कई हजार गुना ज्यादा हौसले से अपनी धरती की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये राष्ट्रीय हित के लिए नहीं बल्कि अपने पार्टी के हित के लिए छुपा रहे थे ये। हाँ, छुपाते वो कि साहब उन लाशों को देखकर हमारे राष्ट्र में लोग घबराहट पैदा हो जाएगी, ये छुपाते तो एक बात बन सकती थी, लेकिन राष्ट्र तो पूरी तौर पर आज मजबूती के साथ और जोश के साथ सरहदों पर खड़ा होने के लिए तैयार है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की कमजोरी नजर आती है जिसकी वजह से उसने छुपाने का काम किया है। और ये कहीं भी एक ईमानदार सरकार के लिए कहीं शोभा का मामला नहीं है कि विपक्ष के लोग, छोटी पार्टियों के लोग, प्रेस के लोगों को पहले खबर मिले और उनकी खबर चले जाए और प्रधानमंत्री के इससे रक्षा मंत्री के जरिए से खबर बात को जाए, ये मुनासिब अमल नहीं है, बल्कि इनको सारी बातों को सामने में लाना चाहिए।